आवाज सुन लिया आपने कितना खस्ता और क्रिस्पी बना है। इनको हम गेहूं का आटा से बनाए हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल हम मैम के लिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारी स्नैक बहुत ही खस्ता हो। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर ये स्नैक आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च को स्किप करें। और ये मैंने डाला है 1/2 टीस्पून अजवाइन। इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। 1/2 टीस्पून कुटी हुई सौंफ भी डाला है, इसे भी बढ़िया टेस्ट आएगा। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। आपको पास कसूरी मेथी है तो उसको भी हाथों से थोड़ा क्रास करके डालें, नहीं है तो ऐसे भी बना सकते हैं। सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसमें जो हमने मैदा डाला था वो भी परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त आटा लगाना है। अब देख सकते हैं मैंने इतना सख्त डो तैयार कर लिया है। इसे हम 10 मिनट ढक्कन कवर करके रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गया है, आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम 2 भागों में अलग अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने 2 लोइयां बना लिया है। लोई को हमने सूखा आटा में कोट करके बेलेंगे। इसे हमने पतला पतला ही बेलना है। गेहूं के आटे से पपड़ी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसकी खास बात यह है इसे बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। सुबह या शाम चाय के साथ में भी आप खा सकते हैं। रोटी को हमने बेल लिया है। इसे हम काटा की सहायता से सेद या होल कर देंगे। सेद या होल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पपड़ी तेलने वक्त फूल जाएगी, इसलिए रोटी को सेद करना है। अब मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है। ग्लास से हम छोटी छोटी पपड़ियाँ काट लेंगे। इस तरह से हमने सारे पपड़ी को बना लेंगे। पपड़ी निकलने के बाद ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम फिर से लोई बना के पपड़ी बना लेंगे। इस तरह से हमने सारे पपड़ी को तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल गर्म होने रख दिया था। अब हम इसे पपड़ी डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम में है। इस तरह से 2-3 पपड़ियों को हमने तेल में छोड़ेंगे। जब ये एक तरफ फ्राई हो जाए तब इसे पलट देंगे दूसरी तरफ फ्राई होने के लिए। इसे हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं पपड़ी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सारे पपड़ी को फ्राई कर लेंगे। देखिए पपड़ी कितना खस्ता और क्रिस्पी बनी है। इसे आप एक बार बना के हफ्ते भर खा सकते हैं। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा है आटा से कितना खस्ता और क्रिस्पी रेसिपी भी बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को नीचे लाइक का बटन प्रेस करें। इस वीडियो को आप अपनी रिश्तेदार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह से आसान और मजेदार रेसिपी देखने के लिए आपकी अपनी चैनल माला की किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे और एक नए मजेदार रेसिपी वीडियो लेके। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे।